हेलो एवरीवन, फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ मैथमेटिक्स क्लासेस में। आपकी जो नाइन्थ की हमारी सीरीज चल रही है क्लासेस की, हमने पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज वन के बारे में। मैं उनकी वीडियो में के जरिए आपको एक्सरसाइज वन के बारे में कंप्लीट एक्सरसाइज वन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं आपके यूट्यूब पर जो मैंने डाल दी है। और एक साथ आपको मैंने एक ही दिन में तीनों वीडियो डाल दी हैं। ओके, तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जो भी आपने यहाँ पर एक्सरसाइज वन में स्टडी किया था, उसकी यानी पीडीएफ भी वही वाला मटेरियल जो हमने यहाँ पर आपको समझाया है आपके लिए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है, वो आप वहाँ से लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज टू, अभी आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज टू, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीनोमल्स के बारे में। पॉलीनोमल्स क्या है? पॉलीनोमल्स आपने सेवन्थ से स्टार्टेड है, वैसे तो आपके सिक्स से भी स्टार्ट है, लेकिन अच्छी तरह से आपने ये स्टडी किया होगा आपकी सेवन्थ क्लास से। ओके, तो हम बिना देरी के चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 पर। अब मैं आपके लिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी पिछली वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैंने तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी बोला था और कुछ समझ में आया नहीं था, तो वो वाली वीडियो को मैंने फिर से दोबारा डाला है स्लो मोशन में, तो उसको भी आप देख लें। तो अभी हम चलते हैं पॉलीनोमियल टू। पहले हम बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं पॉलीनोमियल्स के बारे में। व्हाट आर पॉलीनोमियल्स? पॉलीनोमियल्स गाइस, आपने लास्ट उसमें आपने पढ़ा होगा एक्स इक्वेशंस के बारे में, एक्स वाई जेड ए बी सी स्मॉल पी, इन शॉर्ट आप अल्फ़ाबेट्स के लेकर आपने सेवन्थ एट्थ में आपने कुछ इस तरह से इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया है, लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से आपने कुछ इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया है। यही आपके पॉलीनोमियल्स ये कैसे हैं, इनको हम डिटेल में अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट इफ़ वी टॉक ओनली वन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, लाइक एज एक्स और एक्स स्क्वायर व्हाट आर डूइंग इट एक्स स्क्वायर और टी फोर एटस्ट्रा, यू कैन यूज़ एनी अलजेब्रिक फंक्शन इन स्मॉल लेटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट योर व्हाट आर पॉलीनोमियल्स, लेट सपोज जेड स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप केवल एक सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल की है, ध्यान देना इस बात को, अगर आप बात करते हैं ओनली सिंगल वेरिएबल की, तो इन दैट केस अगर आप सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, ओनली वन वेरिएबल की बात करेंगे, तो उस केस में वो वेरिएबल आपका कहलाता है मोनोमियल। क्या कहलाता है? मोनोमियल आपके दो वर्ड से बना है, आपने साइंस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। मोनो मीन्स होता है ओनली वन, इट मीन्स इसमें आपको वन वेरिएबल आपको मिलेगा। लेट हमें कुछ जैसे कि ये मैंने आपको ऊपर गिवन है एक्स आपका मोनोमियल एंड एक्स स्क्वायर, अगर हम इनको एक साथ ना लिखकर और अलग अलग लिखें, नंबर वन नंबर टू एक्स स्क्वायर, ये भी आपका मोनोमियल है अगर ये आपका ओनली सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में नोट डाउन है। अगर अब आप सिंगल वेरिएबल ना लेकर आप दो वेरिएबल एक साथ लेते हैं, जैसे एक्स और वाई, एक्स और
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या फिर ये कहें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y। हमारा सेकेंड सेकेंड वेरिएबल में हमने लिया है एक्स स्क्वायर एन 3y, या फिर ये कहें या फिर हम ये कहें टी इक्वल टू 2s। यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल लिए हैं टी एंड एस, और जो आपके एक ही फंक्शन में है, ये एस है, फाइव नहीं है, एस 2s। ये आपके इन शॉर्ट अगर आप दो वेरिएबल लेते हैं तो उस टाइम उसका नॉमन नाम होगा, नेम होगा, उस टाइम उसको बोलेंगे बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल BINOMAL, ओके BINOMAL बाई नॉर्मल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है ओनली एक्स फंक्शन या फिर आपके वाई फंक्शन या जेड फंक्शन, उस कंडीशन में आपका होता है मोनो मोनोमल, एंड अगर आप दो वेरिएबल या टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपका होता है बायनॉर्मल, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। बायनॉर्मल के बाद आपका आता है अगर आप थ्री वेरिएबल काउंट करते हैं, अगर आप थ्री वेरिएबल काउंट करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमारे थ्री वेरिएबल्स आपने काउंट किए हैं एक साथ आए हैं आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर ये कहें आप एक्स फोर प्लस वाई क्यू प्लस जेड स्क्वायर, इन दैट केस आपने थ्री वेरिएबल्स आपने लिए हैं तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे ट्राइनॉर्मल, ट्राइनॉर्मल, ओके। थ्री वेरिएबल्स के टाइम आप बोलोगे इसको ट्राइनॉर्मल। इस सिमिलरली आप इस तरह से आप अगर चलते जाते हो कि थ्री वेरिएबल्स हो गए, सेकेंड केस में मैं अभी हमने इनकी पावर्स के बारे में डिग्रीज के बारे में बात नहीं की है, अगर आप एक साथ थ्री वेरिएबल्स के साथ फोर्थ वेरिएबल भी काउंट कर लेते हो, और इस बार हमने फोर्थ वेरिएबल आपका ले लिया है एक कांस्टेंट, या फिर कुछ भी हो सकता है, फोर्थ वेरिएबल आपका ले लिया है एक कांस्टेंट। तो अब आपके पास अगर मैं इनको पावर फॉर्म में इस तरह से कुछ भी लिख दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर, तो अब आपके पास कांस्टेंट भी शामिल है, इसका मतलब अब आपके पास कितने वेरिएबल्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। इन दैट केस अगर आपके पास थ्री से ज़्यादा वेरिएबल है उस कंडीशन में उसको बोलेंगे पॉलीनॉमल, पॉलीनॉमल, पॉलीनॉमल मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉलीनॉमल। इसी से आपका मैं फिर से रिवाइज करूँगा, आपको मैंने अभी बताया था मोनोमल क्या है, मोनोमल क्या है, फिर हमने बात की थी बायनॉर्मल क्या है, फिर हमने बात की है ट्राइनॉर्मल क्या है, और फिर अगर आपके तीन से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीनॉमल। और इसी एक्सरसाइज में हम तीन से ज़्यादा या तीन को, इन शॉर्ट ये सारे आपके अगर एक ही लाइन एक ही वर्ड में बोलो तो ये सारे आपके क्या हैं, पॉलीनॉमल, ये सारे पॉलीनॉमल में काउंट होते हैं। और अब आपके पॉलीनॉमल को लिखते कैसे हैं, नोट डाउन कैसे करते हैं, अगर मान लो आपका पॉलीनॉमल एक्स फंक्शन में है, एक्स फंक्शन में है, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे या डिनोट करेंगे पी एक्स या जी एक्स, ओके। अगर आपका पॉलीनॉमल वाई फंक्शन में है, वाई वेरिएबल में है, या फिर वाई में की वाई की फॉर्म में है, तो उसको आप लिखोगे पॉलीनॉमल ऑफ वाई एंड पॉलीनॉमल ऑफ वाई जी वाई। पी और जी का मतलब होता है प्राइमरी पॉलीनॉमल एंड जी फॉर योर सेकेंडरी पॉलीनॉमल। हमें दो दो पॉलीनॉमल से भी क्वेश्चन इसमें करने होंगे, तो आप दूसरे पॉलीनॉमल को जी जी फॉर्म में और फर्स्ट को आप हम इसको लिखते हैं पी फॉर्म में, ओके। सिमिलरली अगर आपका टी वेरिएबल में है या टी फॉर्म में है, तो आपका वो पॉलीनॉमल हो जाएगा पॉलीनॉमल ऑफ टी, या फिर दो पॉलीनॉमल आपको एक साथ गिवन है तो दूसरा पॉलीनॉमल भी आपका टी के रेफरेंस में होगा। इसको हम पढ़ेंगे पॉलीनॉमल ऑफ टी, या इसको हम रीड करेंगे पॉलीनॉमल ऑफ एक्स
और पॉलिनोमियल ऑफ वाई। आई विश कि अभी तक जो आपको मैंने ये सब बताया एक्सरसाइज पर जाने से पहले तो आपको समझ में आया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमको क्या क्या ज़रूरतें होंगी। हमने बात की है पॉलिनोमियल के टाइप्स की, आपके पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, आपके सिलेबस में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल है ना, और इसके ज़्यादा की बात होती है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, जो आपकी एक्सरसाइज का नेम भी है। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्रीज की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे जाने से पहले मैंने आपको पहले बताया था जो हमारी ये सीरीज चल रही है क्लासेस की, ये आपके दोनों मीडियम्स के लिए है। अभी मैं हिंदी में और इसको बता देता हूँ एक बार। आपकी दूसरी एक्सरसाइज यानी कि दूसरी प्रश्नावली के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है इसका दूसरी आपके नाम है इसका बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद का मतलब होता है जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें एक से ज़्यादा पद आपको मिलते हैं। कितने? एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद पॉलिनोमियल आपका होता है बहुपद। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, ये आपका बहुपद। ओके, तो अब हम चलते हैं बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह से अभी आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको आपके बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने तरीके होते हैं। अगर आपके बहुपद में एक ही चर उपस्थित है, एक ही चर उपस्थित है, चाहे वो आपका एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो या टी का हो या जेड का हो, कोई सा भी हो, जैसे इसको देखो, अगर आपके पास कोई एक ही चर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। हाँ, क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद, क्योंकि उसमें आपके पास एक पद है तो आपने उसको बोला है एक पदी बहुपद। अगर आपके पास उसमें दो पद उपस्थित हैं, चाहे वो x और y हो या फिर x के साथ कोई सा भी नंबर हो जिसको हम बोलते हैं अचर पद, ये आपका है चर पद और ये अचर पद। अगर आपके पास कोई से भी दो पदी बहुपद हैं तो उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तो आपका बहुपद का दूसरा टाइप है द्विपदी बहुपद। इसी तरह से अगर आपके पास तीन पद हैं, चाहे वो एक्स वाई जेड हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू, यानी कि कोई एक आपके पास कांस्टेंट या चार पद हो, तो अब अगर आपके पास तीन पद हैं तो उसको बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलेंगे हिंदी में? त्रिपदी बहुपद, और वैसे इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं आपके जो आपको मैंने इस तरह से बताया था, जब आपके चरों की संख्या तीन से ज़्यादा हो जाती है, तीन से ज़्यादा हो जाती है, तीन तक तो हमने इसका नामकरण आपको अन कर दिया। जैसे कि एक पदी को हम बोले, एक पद वाले को बोलते हैं एक पदी यानी मोनोमियल, और द्विपदी को बोलते हैं बायनोमियल, या फिर ये कहें त्रिपदी को बोलते हैं आपके ट्राइनोमियल, राइट। इसी तरह से आपके तीन से ज़्यादा पद अगर उपस्थित हैं तो उसको बोलते हैं बहुपद, यानी कि उसमें बहुत सारे पद उपस्थित हैं, और इसी तरह से इसको बोलेंगे बहुपद वाली आपकी प्रश्नावली, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी और इसको लिखते कैसे हैं बहुपद को, जैसे आपका कोई x का बहुपद है तो उसको लिख लेंगे पी एक्स, और अगर कई बार हम दो दो पदों के बारे में भी एक ही आपके सवाल में दो पद या ये कहें दो बहुपद दिए होंगे तो दूसरे बहुपद को आप g से लिखोगे। अगर कोई x का है तो उसको बोलेंगे x का बहुपद यानी कि पी एक्स, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x या बहुपद x का बहुपद। अगर y का है तो उसको बोलेंगे y का बहुपद, और या फिर टीका है तो टीका बहुपद। इसी तरह से आपका कुछ भी कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं दोनों मीडियम में एक साथ बोलूँगा डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम पढ़ेंगे
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिग्रीज़ के बारे में, आपको किसी पॉलीनोमियल में डिग्री कैसे फाइंड करनी है, किसी पॉलीनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करनी है या क्या होती है आपको। या अब मैं बात कर लेता हूँ हिंदी में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद की कोटि। हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद की कोटि। बहुपद की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी, हाँ बहुपद की एक ही लाइन में बोलूँ तो कोई सा भी आपका पॉलीनोमल है, जैसे मैंने आपका एक एक पॉलीनोमल में ले लेता हूँ x^4 प्लस x^3 प्लस x^2 प्लस x+5 इक्वल टू 0। अब जीरो नहीं, अभी हम बात करें पॉलीनोमल की, नॉट इक्वेशन। ओके, ये आपका कोई अन पॉलीनोमल है और इसमें अगर आपको इसकी कोटी फाइंड करनी है या फिर ये कहें डिग्री फाइंड करनी है, तो जो आपके एक वर्ड में मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम घात जो है, वो उस बहुपद की कोटि या फिर ये कहें डिग्री होती है। द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमल। अगर यहाँ पर हम इस वाले पॉलिनोमल की बात करें, हिंदी मीडियम वाले सुन ले, जहाँ मैं वर्ड बोलूँगा बहुपद उसका मतलब है, और सॉरी जहाँ मैं वर्ड बोलूँगा पॉलिनोमल उसका मतलब है बहुपद। ओके, तो पॉलिनोमल कोई सब भी एन पॉलिनोमल है, उसकी जो जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमल की डिग्री आपकी होगी, डिग्री होगी 4। ओके, लेट हैव एन एग्जाम्पल मोर, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, t^34 +25, ये आपके पास आ गया। तो इसमें आपकी मैक्सिमम पावर 34 है एंड तो इसकी डिग्री हो जाएगी 34। डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमल इज 34 इन इन क्वेश्चन टू और एग्जांपल टू। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब आपके पास कोई सा भी आपको अन पॉलिनोमल दिया जाए तो आप उसकी डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, डिग्री कुछ नहीं है आपका, जो भी अन पॉलिनोमल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी क्या है, पॉलीनोमल की डिग्री होती है। ओके, चाहे उसमें आपके मोनोमल का हो, चाहे चाहे बाइनोमल का हो, चाहे आपके उसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई के गिवन हो। अगर आपके को एक साथ दो वेरिएबल गिवन है एक्स एंड वाई, तो उसमें भी आपकी एक्स या वाई में से किसी की भी जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। हाँ, जनरली इस तरीके आपको नहीं देंगे कि आपको दोनों वेरिएबल आपको है ना गिवन होंगे या फिर आपसे उसकी डिग्री पूछी जाए। अगर फिर भी गिवन है तो जो मैक्सिमम पावर है, चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो, तो आपको वही आपको आपके डिग्री में लिखना है, आंसर उसकी डिग्री होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक। दो पढ़ लिए हमने, हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमल के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्लियर। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज के पर, आपके एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको नीचे दिए गए, आपको कुछ नीचे मैं हिंदी में आपको अन बता देता हूँ, नीचे दिए गए बहुपदों में से आपको बताना है कि कौन सा एक पदी या फिर ये कहें एक चर वाला बहुपद है। वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाला बहुपद का मतलब है कि जिसमें आपका केवल एक ही वेरिएबल या फिर एक ही चर की बात की गई हो, एक ही वेरिएबल की बात की गई हो, जी या तो एक्स की या फिर वाई की। अगर किसी में दोनों की बात की गई है, एक्स एंड वाई की, तो वो आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमल नहीं होगा, तो वो आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें से आपको रिकग्नाइज करना है, पहचानना है कि कौन कौन से वन वेरिएबल पॉलिनोमल हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट की, इसको ध्यान से देखें। इसमें आपके पास है 4x² -3x एंड +7। आपने देखा है कि इसमें ओनली एक्स की बात हुई है, किसकी, एक्स की, ओनली वन वेरिएबल है, एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमल। ओके, एक तो आपका ये हो गया वन वेरिएबल पॉलिनोमल। अब
इसी तरह से आपके सेकंड में वाई की है, वाई ओनली, तो ये भी आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमल है। थर्ड में भी ओनली टी है, ये भी आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमल है। एंड फोर्थ भी है, लेकिन फिफ्थ वाला वन वेरिएबल पॉलिनोमल नहीं है, क्योंकि आपके इसमें एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है, तीनों वेरिएबल्स आपके अवेलेबल है। तो आपका ये फिफ्थ वाला आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमल नहीं होगा। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको मैंने यहाँ पर ही समझा दिया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। राइट दी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। नीचे दिए गए बहुपदों में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, कोफिशियंट गुणांक। क्या होते हैं कोफिशियंट? पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा कोफिशियंट के बारे में लास्ट क्लासेस में, है ना? कोफिशियंट कोफिशियंट, लेट सपोज आई हैव एन योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम क्वेश्चन के जरिए आपको बता देते हैं, क्लियर? टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर? कोफिशियंट मीन्स होता है वो नंबर जो जो किसी के मल्टीप्लायर, इट मीन्स मल्टीप्लायर, कोफिशियंट मीन्स मल्टीप्लायर, कोफिशियंट मीन्स आपका मल्टीप्लायर कि किसी भी नंबर के साथ कौन सी मल्टीप्लाई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में है। लेट सपोज हियर एक्स स्क्वायर है आपके पास, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है, कोफिशियंट ऑफ, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का ही यहाँ पर पूछा है तो मैं एक्स स्क्वायर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो इसके इसके मल्टीप्लाई में क्या है, आपके ओनली एक्स स्क्वायर गिवन है, राइट? इसके इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है वन। अगर किसी किसी के मल्टीप्लाई में, किसी भी सॉरी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है तो वहाँ पर ओनली वन मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा वन। ये आपको लिखने का तरीका ये है, कोफिशियंट यानी गुणांक। तो मैं बात कर लेता हूँ हिंदी में, अगर किसी भी चर के गुणा में जो भी संख्या होती है वो उसका क्या होता है, गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं थी, तो यहाँ पर किसी भी संख्या को एक से आप गुणा करोगे तो उसको पे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये, या फिर दूसरी और साइड ये कह सकते हैं कि इसके गुणा में एक भी है, एक्स स्क्वायर के गुणा में एक है। अगर मैं बात करता यहाँ पर एक्स एक्स के कोफिशियंट यानी गुणांक की, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक भी एक ही होता। ओके, एक्स, ये लाइन हिंदी मीडियम वालों के लिए है, कोफिशियंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक, ओके। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया आपका वन। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपके टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपके कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओनली किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि माइनस वन आपके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस साइन भी आपके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, इट मीन्स ये आपका मल्टीप्लायर है। इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इज़ योर माइनस वन, क्लियर? इसी तरह से अब मैंने आपको इसमें लिखने का तरीका बता दिया है, अब मैं आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं कोफिशियंट इसी में आपके, मैं बात करूँ इसकी सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इसमें है पाई बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आपका बन जाएगा पाई बाई टू, तो ये आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई टू यानी पाई बटा दो। इसकी बात कर लें हम, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, सेकंड पे। तो इसमें हम अगर देखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका गायब है, यानी कि यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे,
अगर हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो आपका आता है √2x-1। मैं बात कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, √2x-1। तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर गायब है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x² कोई फ़र्क पड़ा इस पे नहीं ना, क्योंकि हमने 0 के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है। तो आपका इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि अगर कोई वेरिएबल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या उस वाले पॉलिनोमल में नहीं है जिसका कोफिशेंट पूछा जाता है, तो उसका कोफिशेंट हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर आपका कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया आपका 0। ओके, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन नंबर 4th। 0 क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर इसमें था ही नहीं, और जब आपके पास कोई नंबर नहीं होता है तो उस केस में उसका कोफिशेंट आपका कोई भी ऐसा वेरिएबल जो उसमें अवेलेबल ही ना हो, तो उस इन दैट केस कि आपका कोफिशेंट 0 हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमल ऑफ डिग्री 100। आपको दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। पहले तो आपको एक बायनोमल आपको नोटन करना है जिसमें आपकी डिग्री शो होगी 35, एंड फिर एक आपको मोनोमल शो करना है जिसमें आपकी डिग्री होगी 100। यानी कि आपको एक, हिंदी में बात करें तो आपको एक द्विपदी बहुपद लिखना है जिसकी कोटि 35 होनी चाहिए, और एक लिखना है एक पदी बहुपद जिसकी कोटि आपकी होनी चाहिए 100। तो इसका आंसर मैं बात कर लूँ, अगर हम चलो इसको हम पेज में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं बायनोमल की। क्वेश्चन नंबर 3rd, हम पहले बात कर लेते हैं बायनॉमल की। तो हमने एक्स का बायनॉमल ले लिया। ओके, तो एक्स 35 + 6 ये मैंने ले लिया। दूसरा बायनॉमल कंप्लीट करने के लिए मैंने दूसरा वेरिएबल, मैंने इसको यहाँ पर कॉन्स्टेंट ले लिया है। ओके, ये आपके दो, तो ये आपका हो गया बायनॉमल एग्जांपल। आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 35, क्योंकि हमने पहले भी आपको इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमल। ओके, अब ये आपका द्विपदी बहुपद का आपको एग्जांपल मिल चुका है जिसमें मैक्सिमम जिसकी आपकी यानी कोटि है 35। ठीक है, अब मुझे लिखना है मोनोमल। मोनोमल यानी कि एक पदी। एक पदी मैक्सिमम पावर इसकी यानी कितनी होनी चाहिए थी, 100। तो आपने बस लिख दिया x टू द पावर 100। क्लियर, और एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप y की पावर 100 में लिख दो मोनोमल, या फिर ये कहें y की पावर में लिख दिया, या फिर z की पावर में आप लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, x y z p q r s स्मॉल a b c। ओके, तो ये आपके मोनोमल हो गए। इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4th, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में डिग्रीज की यानी कि कोटि की। इसको मैं फटाफट यहीं पर ही सॉल्व करा देता हूँ। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमल आपके क्वेश्चन नंबर 4th में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। इस पॉलिनोमल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 3rd। मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। ओके, सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमल इज इक्वल टू 3। लाइक दिस लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर लिखना है आंसर में, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमल इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको कंप्लीट आंसर देना है। ओके, यानी कि हिंदी में बात करें तो अतः बहुपद की कोटि बराबर 3। तो इसमें आपकी मैक्सिमम पावर, पहले तो आपको देखना है वेरिएबल कौन सा है, चर पद कौन सा है ना। वेरिएबल आपका इसमें
हाँ, सेकंड क्वेश्चन इसकी बात, मतलब सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें वेरिएबल है आपका वाई, तो इसमें मैक्सिमम पावर है आपकी टू, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी टू। थर्ड में आपका वेरिएबल है टी की फॉर्म में, यानी कि ये पॉलिनोमल है आपके टी की फॉर्म में, तो इसमें आपकी डिग्री हो जाएगी जी सॉरी वन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है वन, टी टू दी पावर वन। फोर्थ की बात करें, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब बात कर रहे हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन में आपके है थ्री, इसका मतलब यहाँ पर केवल कॉन्स्टेंट है, अचर पद है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। अगर जब वेरिएबल नहीं हो तो आपकी डिग्री होती है ज़ीरो, क्लियर, डिग्री होती है ज़ीरो। इस या फिर ये कहें इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर जीरो प्लस थ्री, सॉरी ये तो आपका फिर गलत हो जाएगा ना। तो जहाँ पर आपके वेरिएबल नहीं हो, और एक बात नोट डाउन कर लेना, पॉलिनॉमल में जो आपकी डिग्रीज होती है वो हमेशा वेरिएबल की होती है। ओके, एक्स वाई जेड टी जो भी है अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके, उनकी ही आपकी डिग्रीज काउंट होती है, आपके कॉन्स्टेंट की डिग्री काउंट नहीं होती। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज टू यू, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर लीनियर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स, यानी कि हिंदी में बात करें तो आपको बताना है इसमें रेखीय बहुपद यानी कि एक पदी बहुपद, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विपदी बहुपद, क्यूबिक यानी कि त्रिपदी बहुपद। हमने पहले ही भी पॉलिनोमल्स के टाइप के बारे में, मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना। तो इसको यहीं पर ही आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपको इनको आना बताना है रिकग्नाइज करके पहचान के कि आपको कौन सा बहुपद है या कौन सा पॉलिनोमल है। यहाँ पर आपको मोनोमल को आपको बोला गया है लीनियर, मोनोमल पॉलिनोमल को आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमल, इसको बोला गया है यहाँ पर लीनियर। यानी कि हम बात करें एक पदी बहुपद को यहाँ पर क्या बोला गया है, रेखीय, रेखिक, रेखिक बहुपद, ठीक है। और आपके बायनॉर्मल को, बायनॉर्मल लेकिन आपका यहाँ पर ये आपकी पावर से रिलेटेड है, नोट डाउन करें इस बात को, ये आपकी पावर से रिलेटेड है, मोनोमल बायनॉमल या उससे रिलेटेड नहीं है, या आपकी किसी से रिलेटेड है मैंने ध्यान नहीं दिया। लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर एक हो, या फिर ये कहें जिसकी डिग्री एक हो, एक डिग्री वाले जिसकी डिग्री एक हो, यानी कि अगर आपकी किसी पॉलिनॉमल की डिग्री वन है तो वो पॉलिनॉमल आपका लीनियर पॉलिनॉमल, क्लियर। अगर किसी की डिग्री मैक्सिमम डिग्री यानी किसी पॉलिनोमल की डिग्री टू है तो वो आपका कौन सा पॉलिनोमल है, क्वाड्रेटिक। अगर किसी पॉलिनोमल की डिग्री आपकी थ्री है, आप समझ ही गए होंगे, अगर आपकी किसी भी पॉलिनोमल की डिग्री थ्री है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमल है, क्लियर। हिंदी में बात करें तो अगर किसी भी बहुपद की आपकी कोटि एक है तो वो आपका रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। अगर किसी बहुपद की कोटि दो है, अगर किसी बहुपद की कोटि दो है तो वो आपका द्विघात बहुपद, या फिर अगर किसी बहुपद की कोटि तीन है तो वो आपको आप कहेंगे उसको त्रिघात बहुपद, क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद, क्लियर। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, फिफ्थ और फर्स्ट, इसमें आपकी डिग्री कितनी है मैक्सिमम टू, मैक्सिमम पावर कितनी है टू, तो आपकी डिग्री कितनी हो गई टू, तो ये आपका किस में, तो ये आपका कौन सा वाला पॉलिनोमल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल, कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पावर थ्री है तो इसकी डिग्री आपकी, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें मैक्सिमम पावर थ्री है तो इसकी डिग्री क्या होगी थ्री, तो इसमें आपका कौन सा वाला पॉलिनोमल है, ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमल, क्यूबिक पॉलिनोमल, मैक्सिमम पावर थ्री, डिग्री इज थ्री, सो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमल। इसमें मैक्सिमम पावर आपकी वाई की मैक्सिमम पावर टू, तो डिग्री आपकी टू,
आपको ये पॉलीनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिग्री से ही फाइंड होंगे कि आपके कौन से हैं। ये नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि मैक्सिमम पावर 2 डिग्री 2, सो ये आपका कौन सा वाला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि आपका क्वाड्रेटिक मीन्स है द्विघात बहुपद, हिंदी में बात करें तो द्विघात बहुपद। क्लियर। अगर आपकी डिग्री यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल। और यहाँ पर भी ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, तो मैं आपको ये एक बार और अच्छी तरह से बता देता हूँ। अगर आपके पास किसी पॉलीनोमियल में 1 डिग्री पॉलीनोमियल है, 1 डिग्री पॉलीनोमियल है तो वो आपका, हिंदी में बात करें, एक कोटि। एक कोटि बहुपद है या पॉलीनोमियल है तो वो आपका होगा, उसको बोलेंगे आप लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल या फिर ये कहें रैखिक बहुपद। ओके, अगर आपके पास 2 डिग्री पॉलीनोमियल है, 2 डिग्री पॉलीनोमियल है या फिर ये कहें जिस ऐसा बहुपद जिसकी 2 कोटि है तो आप उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या ये कहें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ओके, तो अगर आपके पास 3 डिग्री पॉलीनोमियल है, 3 डिग्री या 3, तो वो आपका होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। या फिर ये कहें क्यूबिक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये आपके है घड़ी त्रिघात। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। और इसमें आपने, मैं फिर से रिवाइज कर दूं आपके इन क्वेश्चंस के बारे में, हमने इसमें 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है मेन। तो पहला टॉपिक आपके वेरिएबल्स के थ्रू आपको पॉलीनोमियल्स के टाइप आपने सीखे कि आपके कितने टाइप्स के पॉलीनोमियल होते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। आपके 3 प्रकार के बहुपद होते हैं या तीन टाइप के आपके पॉलीनोमियल होते हैं। अगर आपका एक पति यानी कि एक वेरिएबल है तो आपका मोनोमियल, अगर आपका 2 वेरिएबल्स उसमें हैं तो आपका बायनोमियल, अगर आपका 3 वेरिएबल्स हैं तो आपका ट्राइनोमियल, या 3 से ज़्यादा है तो आपका पॉलीनोमियल या बहुपद होता है। आपका दूसरा टॉपिक आपने इसमें क्या पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ा आपने डिग्रीज ऑफ पॉलीनोमियल, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा डिग्रीज ऑफ पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद की कोटि क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीनोमियल। यस, द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, तो हम इसको लिख भी सकते हैं
लिखी नहीं थी ना पहले, चलो लिख लो। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमर, ओके, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमर। तो जो आपकी मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमल है वो आपकी क्या है, डिग्री। तो आप राइटिंग पे मत जाएं, अपनी नोट्स से खुद बनाएं। ये मैं जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको मैं वर्बली भी आपको बोल के बता रहा हूँ कि मैंने क्या नोट डाउन किया है, ओके। तो अगर यही चीज़ आपको पीडीएफ में मिलने वाली है जो मैं आपको ये सब से पढ़ा रहा हूँ, आपको जैसे ही आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद ही आप पीडीएफ डाउनलोड करें, तभी आपको आपकी पीडीएफ समझ में आएगी कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा है। नहीं तो ये भद्दी राइटिंग भी आपको उसमें पीडीएफ में दिखेगी, और ये नोट्स आपको खुद बनाने हैं अपने हाथ से अपनी राइटिंग में, ओके। तो अब बात कर रहे हैं, हमने तीसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ा था, दो हो गए हमारे पॉलीनोमल टाइप्स, डिग्रीज ऑफ पॉलीनोमल, और तीसरा पढ़ा था हमने कोफिशियंट का, राइट। कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमल क्या होता है, कोफिशियंट मीन्स होता है मल्टीप्लायर ऑफ एनी वेरिएबल्स, यानी कि किसी भी चर का गुणांक क्या कहलाता है, जो उसके गुणांक में कोई संख्या होती है वो आपका उसके क्या होता है, कोफिशियंट होता है, राइट। तो आपको इसमें पता चल गया होगा, हमने जो भी पढ़ा है इसको ध्यान में जरूर रखना, ये आपकी डिग्रीज, पॉलीनोमल्स, टाइप्स एंड कोफिशियंट फाइंड करना, तो क्योंकि ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के लिए। जब तक वो आती है तब तक आप फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन और एक्सरसाइज 2.1 का भी रिवीजन कर लें। आपको जल्दी ही आपको सेकेंड एक्सरसाइज में 2.2 की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर से बड़ा सा थैंक यू।